बाबू छगरी खोल देवत के चरा जाबे होय। अच्छा ठीक है पने लेके जाबो। अच्छा ठीक है बन बखे लेके जाबे लेकिन केकरो बारी में ना घुसाबे होय। ठीक हो चल तब तो आधा रास्ता तक छोड़ देबे। अच्छा ठीक हो। रोज लानिसला तोके रोज कहियाउला जा हुने लेगा त मारबो करबो अच्छा गरी ले लेबो सबके। अच्छा लगथियो ना गरिया। अच्छा बाबू हिने आ त ककर छगरी चराई लाइनिस। ओ देउगा में कमलेश मंकर घर है हुए हम आई। ओ तो ओ मन घरे आही इस कमलेश घरे ओ मन के त हम जानीला। ओ तो कमलेश के माई घरे हेतै बाबू। हां घरे होतै। अच्छा तो हम जाए के उमन घर भेटाए लो थी बाबू। हाँ ना खिसाबा हम नहीं जानत रही कि उमन घर आहा से। ठीक है ना खिसाबा जवा हुने लगा छगरी के इलाज ना करावा। अच्छा रो रे कके छगरी चराई भेजी आज। ओ हमर मौसी कर बेटा लग रे सके जन भेजली है। का हो लग जे पूछत है। कुछ ना ओ बाबू के तरी डाइट रही है ने तो तरी से नाराज है जा रहे हमर से खिसाए गेले तो फिर बादे पूछ लिए तो रो विषय में फिर बता देले बढ़िया से हमके। अच्छा का हो लग तो बात तो कुछ नहीं रहे तोरे के तो पहले समझाए रही नी हम कि एखन खेती बाड़ी के समय है और एखन तनिको छुआ के भेज दिली छोटका छोटका छगरी चराय ले तो उकर में ठीक नहीं हो ला भुलाए गेली क्या कि छोटका छोटका छगरी छुआ के कैसे रखल जाए ला सके। हम तो वह दिन नहीं बताए रही। अरे ये देखवा दिली वो दीदी मैंने छोटका छोटका छुआ मन के नहीं रखा है ना वैसन। हाँ वैसने चलो तब एगो पशु सखी के दीदी है से कह सीखे जाब। हाँ चलो तब रहो तब गोबर भी रखा बार साथे जाब। अच्छा जाओ फेंक रखो। कहाँ गेली दीदी घर ही कि नखे। हाँ घरे में ही है। जोहार दीदी। जोहार का करत रही दीदी घर में। वो तनी सुन कपड़ा सी अतरी है का काम होन जे आज तो हिंदियो जन जिम के आए हैं। काम है सेलजू नाही तो हिनकर घर कर सब काम खत्म है गेलो नर हमार से का काम हो। ई दीदी घर ने छोटका छोटका पटू छवा हाथी नर घर में अकेले रहती ला सर जुना ही रह जा। अच्छा ठीक।
हम ही दीदी के बता रही कि रोरे मेमना नर्सरी बनाई ले और मेमना नर्सरी में रगा ले रख ले छगरी पठलू छो मने सुंदर और स्वस्थ भी रहेला। ठीक है तो तोहिन आला तो ठीक करला तोहिन के हम बताबन कि कैसन मेमना मन के रखा ना सके। ठीक हो हम तो के बना के बता देबो लेकिन तो के कुछ सामान जोगाड़ करे पड़त। अच्छा दे का सामान जोगाड़ करे पड़त। बांस जोगाड़ करे पड़त, रस्सी जोगाड़ करे पड़त और कंटी आर एगो दौली आर टेप। अच्छा ठीक है कल सब सामान जोगाड़ कर देबो है नी। अच्छा ठीक तब कल आए के बना कर बता देबो। अच्छा ठीक दीदी तब जोहार। जोहार। सामान मन जोगाड़ है गेलै। हां सब सामान ते जोगाड़ कर दे हो दीदी। ला दीदी तब कैसन बनाही ला तब बनाही। ठीक तब हमन बना कर शुरू करत हिए लेकिन आज हमन 5-6 गो पठरू छुआ कर बनाबै। ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है तो हम देख लो अथिए सब सामान है कि नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी देख ली। ए देखी दीदी सामान मन जोगाड़ कर दे हो देख ली हो कि नहीं खाओ। ठीक है देखा थी तो खुट्टा गाड़े ले लोहा कर थी जमा कर दे हो। हाँ तो बांस करने खाए तो लोहा कर भी चलता है। खुट्टा गाड़े ले पाँप हो नापे ले टेप हो बांस काटे ले टांगा हो और दाव हो और कंटी ठोके ले मारतूल हो और कंटी हो। सब सामान है ना दीदी। हाँ हो सब सामान। सब सामान तो हो दीदी बना कर बता थी हो आप तो के। ठीक दीदी ला बताओ तब। हाँ बता थी हो 5-6 गो मेमना छुआ रखे ले दी हमें 10 फीट लंबा या 10 फीट चौड़ा बनाए ला तो हमें नी बांस के नाप भाई 10 फीट लंबा इतने से 5 फीट हो और आगे और 5 फीट नाप भाई। इतने से हमें का 10 फीट है ला दीदी और इन्हें जो बचा था इसे के हमें काट दे भाई। अच्छा ठीक दीदी। उन्हें देखा दीदी बराबर होन कि नहीं। हाँ दीदी इन्हें तो बराबर हो। हाँ तो सब बराबर होन। दस फीट तो नाप लिए दीदी अभी के कांटी ठोक के चाली जैसन बनाब। ठीक दीदी ला धर दो थियो धारा। ये अब तैयार है गेले दी के पकड़ा खड़ा करब। ठीक है दीदी। ये देखी दीदी तैयार है गेलो। हाँ दीदी तो तैयार है गेलो। तो इसने और 3 गो बनाब। अच्छा ठीक दीदी। बांस कर जाली मन तो बना ले लिए दी अब एरिया नाप भाई। ठीक दीदी ले ले धर। इतने से 5 फीट है लो दी अब आगे जा 10 फीट है लो। ठीक है दीदी इतने 10 फीट है लो दी इतने हमें नहीं खुटी गाड़ दबाई ठोक दीदी। ठीक तो थी चौड़ाई तो हमें नाप लिए 10 फीट आपकी लंबाई नाप भाई 10 फीट। ये देखा दीदी यहाँ देखा 10 फीट है गेलो।
ए देखा दी एते खुटी गाड़ दो थी। ठीक दीदी। ए देखे दी एते चिन्ह लगाल जगन हमें खुटा गाड़े ले गढ़ा कोड़बै। ठीक दीदी। लाइट दी माठ निकल। निकलाय दो थी। अभी के गाड़ा थी ए दी। ठीक है दी गार। एक जगह कोर के गार लिए दी अब की दूसरा जगह कोर के खुटा गार बे। अच्छा दी ठीक है। इसने हम इन चायरो बटे खुटा गार बे। हाँ दी ठीक है। ये देख दी गढ़ा कोड़ा के लाये अब इक्रो में हम इन खुटा गार दे बे। ठीक है दीदी। बेस से मजबूती से गार बे ताकि कि नहीं हिलते। करे खुटा तो गड़ाए गेले दीदी। हाँ दीदी गड़ाए तो गेले और का करे खई उ जे हम इन चाली बनाई ऐसे के अभी ये बांधबै। ठीक है दीदी। बढ़िया से बांध देबे। हाँ दीदी ठीक तब लाए बांधिन तब। इकर में गेट लगा बाई दी। ओ तो चलो तब लगा आप जल्दी। चलो। दीदी हमें तो चारों कोना बांस कर चाली के बाइन दिलिए अब हमें यहाँ मचान बनावे पठरू छो हमन कर चार के बैठे ले। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी ये मचान तो बनवा थी लेकिन इकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है? 8 फीट लंबाई है और 2 फीट चौड़ाई है और 1 फीट ऊंचाई। उतना सुन है। हाँ ये देखा दी गढ़ा कोड़ा थिया यहाँ मिकर में खूटा गाड़बा 1 फीट ऊंचाई कर। अच्छा ठीक तब तो। मैं चायरो करे इतना इतना गढ़ा कोड़बा यार खूटा उकर में गाड़बा मचान बनाए ले। गढ़ा तो कोड़ लिया है दीदी अब इकर में खूटा के गाड़बा। अच्छा ठीक यह लखे हम इन चायरो करे खूटा के गाड़बा लाइट दी तब तोहनो गढ़ा जल्दी हेतै। ठीक तब तो। दीदी तापी कान में का करे खै बांस कर चाली बनाई है से के लाइन के यहां मारा भाई मचान बना ले। चला तब चला thank you.
दी हम इनकर मचान आप तैयार है गेले तभी कर में का करे है दीदी आप अब यहाँ हमें छपरी छाड़ब पटरू छोआ मन कर छाई रहे वेले अच्छा ठीक ठीक तो दीदी के हम इन ऊपरे लगाब पटरू छोआ मन कर छाई रहे वेले अच्छा ठीक ये देखा दीदी छपरी तैयार है गेलन अच्छा दीदी ठीक छपरी है कहो हां छाहर हेते न हां यहां बैठबथिन हां बैठबथिन यहां तखन ऊपर से छाहर हेते आप ती तैयार है गेलक दीदी अभी कर में का करे खेते हाँ दी आप तैयार है गेले आप तो यहाँ बढ़िया नस्ल कर पटरू छोआ कर राख सकिस ला दीदी अच्छा ठीक है दीदी यहाँ हमें पटरू छोआ कर घर में उमन के दाना देबे मिनरल मिक्सचर देबे कैल्शियम देबे और पानी भी हिये देबे पिए ले और यहाँ पल्हा मन के भी टाइंग देबे हिये और उमन के हमें चराए ले नहीं लेकब अच्छा ठीक दीदी और का करे होते पटरू छोआ मन कर घर में बंद बाड़ा कूला बाड़ा और पानी स्टैंड और चराही और हरा चरा स्टैंड रहना चाहिए ई मचान है कौन दीदी मैंने पटरू छोआ कर बैठे ले ये कौन पानी स्टैंड पटरू छोआ मन कर पानी पिए ले आरी है कौन चरा ही चरा खाए ले आरी कर में हम इन पाल्हा टाइंग के खिया सकिए ले ये तो बता दे ले दीदी तो बहुत बढ़िया उपाय है इकर इकर से और का फायदा हो वेला इकर से ही फायदा है वेला कि जल्दी बढ़ाए ना ज्यादा वजन हो ना और ज्यादा फायदा है वेला ठीक है दीदी बहुत अच्छा जानकारी दिलीस बहुत अच्छा बता दिलीस बहुत बहुत धन्यवाद दीदी ठीक है दीदी हमके भी सीखे कर मौका मिलक से ले हमर बर से भी रोड के बहुत बहुत धन्यवाद ठीक तो दीदी हम जाती तो इनके जोहार 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 दीदी देखो दीदी वो आए के दीदी बहुत बढ़िया बतालक और आप बढ़िया से नर्सरी में पटरू मन के राख सकीला खुला रखे के जरूरत नखे आप ककरो खेती बाड़ी भी वैसा नहीं खाई से ले अब हम जाती हमारे वर्ष जोहार जोहार दीदी समझौता ना करने वाले बिंदु मेमना नर्सरी बनाने के लिए बांस रस्सी टेप दौली साबल और कांटे की जरूरत पड़ती है बांस की लंबाई चौड़ाई 10 फीट और ऊंचाई 3.5 फीट होनी चाहिए मेमना के लिए मचान की ऊंचाई 1.5 फीट होनी चाहिए बांस को जाली की तरह बना लें और जमीन में घेरा बनाकर गाड़ें मेमना नर्सरी में अच्छे नस्ल की मेमनाओं को ही रखना चाहिए इसमें बंद बाड़ा खुला बाड़ा चारा स्टैंड पानी स्टैंड और चारा की व्यवस्था होनी चाहिए देखे वाला सब भाई बहन मन के जोहार हमारा नाम है कब बबीता देवी और हम मसनिया रामदगा कर रहे वाला है के तोहिन एखन देखला कि हम इन कैसन मेमना नर्सरी बना ली सके से ले तोहिन मने मेमना नर्सरी जरूर बनाबा काले कि अगर मेमना नर्सरी बनाबा तो हम इनकर पटरू छोआ मन कर बढ़िया से देखभाल हेवेला जेकर से हम इनके कम समय में पटरू छोआ मने बढ़िया तैयार मिले न और हम इनके अधिक फायदा मिलेला पटरू छोआ कर घर में हम इन पटरू कर बैठे ले मचान बनाए ले और पानी पिए ले पानी स्टैंड बनाए ले और चारा खाए ले चारा ही रखे ले सेले तोहिन मन से आग्रह करी ला कि तोहिन जरूर ले मेमना नर्सरी बनावा मेमना नर्सरी बनाने के फायदे मेमना की देखभाल अच्छे तरीके से होती है जिससे मेमना की शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है बकरे बकरी कम उम्र में ही वयस्क हो जाते हैं इससे हमें अधिक मुनाफा होता है
और अधिक से अधिक फायदा उठावा। हमार दने से जोहार।